आदियो, मुझे पता है आपको मेरी आवाज़ आ रही है। आप मेरे से मिलने भी नहीं आए, ना फोन करके पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है। शायद आपको ये भी नहीं मालूम अगर मैं जिंदा हूँ या नहीं। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। हादी, आप रो रही हैं? अगर मेरी वजह से आप परेशान हो रही हैं तो प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मत रो। जोहेब, मैं रोने के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरी वजह से आप हॉस्पिटल भी चले गए, इतना बड़ा हादसा हो गया। ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, और जो किस्मत में लिखा हुआ होता है वो कोई भी नहीं बदल सकता। मैं ही बुरी हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पागल हो गई हो क्या? किसी ने आपको कुछ कहा है? हादिया, हादिया जवाब दो मुझे। उन्होंने जो भी कहा है ना, बिल्कुल ठीक कहा है, और जो भी किया है उससे भी ज्यादा बुरा करना चाहिए था मेरे साथ। किसने? मामा? मामा ने आपको कुछ कहा है? हादिया, हेलो, हादिया मुझे जवाब दो। आज इस लड़की की वजह से मैं अपना बेटा खो देती, मेरा सब कुछ मुझसे छिन जाता। भाभी, हादी, बस शौकत, मैं आज किसी की नहीं सुनूंगी। खत्म करो ये तमाशा, ये लड़की मुझे इस घर में नहीं चाहिए। और क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? मैं इस लड़की को अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी, माना हादिया से गलती हुई है, लेकिन इस तरह उसे कैसे निकाल सकते हैं? कहां जाएगी वो? क्यों नहीं जा सकती? क्या उसके रिश्तेदार नहीं है? वैसे भी इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है, जहां जाना है जाए मेरी बला से। ताईजान, प्लीज रिलैक्स हो जाए, ऐसे आपका बीपी हाई हो जाएगा। होने दो मेरा बीपी हाई, वैसे भी इस घर में अब मेरी जरूरत नहीं है। भाभी जान, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप कल भी इस घर की बड़ी थी, आप आज भी इस घर की बड़ी हैं। ठीक है, अगर तुम मुझे इस घर की बड़ी समझते हो ना, तो फिर मेरा जो भी फैसला होगा तुम सब लोगों को मानना पड़ेगा। हादिया इस घर में नहीं रहेगी। अब लेकिन वो, बस मैंने अपना फैसला सुना दिया है और मेरा फैसला नहीं बदलेगा।